हेलो दोस्तों, तो मैं तैयार हूँ फिर से आप लोगों को एक नई जगह की सैर कराने के लिए, जिस जगह का नाम है आमेर फोर्ट, जो कि अभी आप फोटो में देख रहे होंगे। ये आमेर किले की फोटो है जो कि राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आमेर जो कस्बा है वो तकरीबन 4 किलोमीटर में फैला हुआ है और आमेर कस्बे में ही आमेर फोर्ट स्थित है। तो चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेकओवर किया था, जिसके बाद में यहाँ की रॉयल फैमिली में तकरीबन 20 साल तक सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा और उसको हमको वापस लिया। और वैसे इलाके में आप देख रहे हैं नीचे एक पानी की झील बनी हुई है, ये भी आर्टिफिशियल है, जिसमें माउंटेन्स का पानी रोकते थे। और इस झील से जस्ट ऊपर की तरफ बनी हुई एक येलो कलर की बिल्डिंग है जो कि आमेर पैलेस है। तो ये आमेर पैलेस जो है इसके जस्ट ऊपर की तरफ महाराजा का आर्मी बेस था, उस आर्मी बेस के थ्रू वो सिटी को और पैलेस को डिफेंड करते थे। इसमें जो ये व्हाइट कलर का पोर्शन आप देख रहे हैं येलो कलर बिल्डिंग में, ये मिरर पैलेस शीश महल है, जिसको 1639 में महाराजा मिर्जा राजा जय सिंह ने बनवाया था। ये पानी की जो आर्टिफिशियल लेक आप देख रहे हैं इसको मावठा लेक बोलते हैं। इसके सेंटर में देखिए गार्डन बना हुआ है, गार्डन बना हुआ है, इसको केसर क्यारी बोलते हैं। पुराने समय के अंदर राजा ने कोशिश करी थी कि यहाँ पे केसर उगा जाए, लेकिन चूंकि केसर के लिए देखिए एटमॉस्फेयर जो है वो ठंडा होना चाहिए, यहाँ गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए राजा को सक्सेस नहीं मिली केसर उगाने के लिए। बाद में उन्होंने इसको कन्वर्ट किया, यहाँ पे गुलाब के, चमेली के, मोगरे के ये फूल वगैरह लगवाए। और ठंड पानी चूंकि ठंडा होता है तो मैं इनको ठंडा और खुशबूदार पुराने अभी भी लोग यहाँ रहते हैं। पहले देखिए ये जो घर आप देख रहे हैं कि पुराने समय में राजा के जो ऑफिसर्स मिनिस्टर्स या उनके जो मिलिट्री के लोग होते थे उनके रेजिडेंस। तो दोस्तों, अभी हमारे बस ने हमें ड्रॉप कर दिया, वहाँ से जीप से निकल चुके हैं हम लोग, क्योंकि ऊपर जाने का यहाँ पे जीप पर्याप्त मात्रा में साधन है। अच्छा, ये गाइड लोग थे? जीपें यहाँ बहुत चलती हैं, तकरीबन बहुत पुरानी ओल्ड मॉडल थी, यहाँ पे 3000 जीपें मिल जाएंगी। अच्छा, आमेर में आमेर फोर्ट के अलावा अपनी फर्स्ट फेमस है ना, ये जो आमेर फोर्ट ही फेमस है, जो बिल्डिंग से पुराने जमाने में जयगढ़ उसके बगल में उनका रेसिडेंट हुआ, ये पुराना सिटी है। अच्छा, ये मतलब एक विधानसभा टाइप का है आमेर? नहीं, विधानसभा नहीं है ना, जो पुराना है। अमिताभ बच्चन की फिटिंग का नाम है लाल बाग, बाद में जयपुर बसा। हाँ, पहले आमेर, जब यहाँ पे पानी की सच कम हो गई तो जयपुर, क्या 12 किलोमीटर का एरिया था सिर्फ, ज्यादा बड़ा नहीं था। अच्छा, मीना कास्ट, मीना कास्ट पहले यहाँ पे मीना कास्ट था। ये जो मीना कास्ट होते हैं ये मतलब कौन से कटरी में आते हैं? नीचे वाले, नीचे वाले, हाँ, गवर्नमेंट ने आरक्षण दे रखा है इनको। और यहाँ आपको बताते चले कि इस किले का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था, जिसको बाद में कंप्लीट राजा जयसिंह ने करवाया। तकरीबन 150 साल का टाइम लगा था इस किले के निर्माण में, तब जाके बन के तैयार हुआ था। और कहते हैं कि बगल में जयगढ़ का किला है, भी काफ़ी मिस्टीरियस किला है, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे कभी। आमेर में 362 मंदिर है, हर रोज के लिए एक अलग मंदिर। जैसे कि इन्होंने बताया यहाँ पे 365 मंदिर है, पर डे अलग अलग देवी देवताओं की होती है। आमेर एक तरह से तहसील है ना, तहसील में आते किला है, लाल बादशाह के झूठे मिले ना। फाइनली हम लोग फोर्ट में पहुंच चुके हैं, किले के अंदर ये रास्ता है, यहाँ से पैदल जाना है। ये पूरा प्रांगण है, यहाँ भी फिल्म बोल बच्चन की शूटिंग हो चुकी है। तो चलते हैं अंदर, ये इंटर गेट है, यहाँ राजा का दरबार लगता था, यहाँ पे मंत्री बैठते थे, तहसील बनाए जाते हैं। और ये एक जगह है जहाँ पे राजा केसर की खेती करना चाहते थे, बाद में यहाँ फूल की खेती होने लगी। और चलते हैं अंदर, फिर
यहाँ शीश, यहाँ से शीश महल पास में है। इस जगह का नाम जो अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ये शीश महल के नाम से जाना जाता है। यहाँ की खासियत यह है कि आप किसी एक शीशे पर बल्ब टॉर्च जलाते हो तो पूरा शीशा चमकने लगता है। ऐसे एंगल पे बना के इसको सजाया गया है, तो यहाँ फोटो सेशन भी बहुत लोग करते हैं। अच्छा जगह है, बढ़िया जगह है। ये ऊपर का व्यू है जहाँ से राजा राजा मान सिंह की 12 रानियाँ थी, जो कि देखिए आप यहाँ पे देखो, रानियों का महल था, समझे, सब जगह यहाँ पे रानियों का रहती थी, ये सब महल था। और ये वो जगह है जहाँ पे राजा अपनी रानियों से मिलते थे, बीच में राजा बैठते थे, चारों तरफ रानी बैठती थी। और यहाँ से फिर यहाँ पे वेजिटेबल प्रिंट वाले कपड़े ज्यादा मिलते हैं ना, ये वहीं से लिया मैंने, यहीं से वेजिटेबल प्रिंट का ही है। अभी बताएंगे आपको। ऑफ वीकेंड में यहाँ पे काफी भीड़ होती है। राजा साहब का कबूतर था। आमिर फोर्ट के खुलने का टाइम सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक, जब भी आए इसी टाइम के बीच में आए। वहीं पे एक जगह, वहाँ पे ले जाएंगे सब अभी दिखाने के लिए। और का ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जयपुर की दाल लास्ट रानी पद्मनाभ सिंह, और ये पद्मनाभ महाराज हैं, अभी प्रिंस हैं। ये बड़े वाले किसके लिए? ये सब शूटिंग के लिए थे, फिल्म के दौरान जो फिल्म आई थी। आप यहाँ लोकल परचेजिंग का भी लुफ्त उठा सकते हैं। यहाँ पे हर तरह के बुक स्टॉल्स हैं जो कि यहाँ के लोकल कल्चर को डिस्क्राइब करती हैं। यहाँ कपड़े मिल सकते हैं वेजिटेबल प्रिंट के, और साथ साथ यहाँ पे हैंडमेड आर्टिकल्स भी हैं, जस्ट लाइक बैग्स हैं, ज्वेलरीज हैं, जैसे देख सकते हैं। इसके आगे मैं अभी आपको आमेर फोर्ट का वॉल को दिखाऊंगा, द ग्रेट वॉल ऑफ आमेर फोर्ट का सीन दिखाऊंगा। ये वही लॉन है और यहाँ से ही दिखता है, ये है वॉल ऑफ आमेर फोर्ट। यहाँ से निकलते हैं, चलिए कुछ संगीत का मजा ले लेते हैं। और देखिए कितनी ह्यूज मात्रा में लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। तो निकलते हैं यहाँ से, ये दूसरा वे है, वन वे वा रास्ता था, ये दूसरे तरफ से लोग निकल रहा है। और ये जगह है जहाँ पे आप लोकल परचेजिंग का सामान ले सकते हैं। ये एक व्यू है, ओवर व्यू देख सकते हैं आप आमेर फोर्ट के वॉल का। 15 किलोमीटर, 15 से 16 किलोमीटर फैला हुआ है फोर्ट है, जिसको राजा साहब ने अपने डिफेंस के लिए बनाया था। और आई थिंक एशिया का सेकंड लार्जेस्ट वॉल है, ग्रेट ऑफ वॉल ऑफ चाइना के बाद इसी का नंबर आता है, तो काफ़ी लंबा है। और मैं आपको बताते चलूँ, 18th सेंचुरी के पहले आमेर फोर्ट ही कैपिटल हुआ करती थी राजाओं की, उसके बाद से जयपुर शिफ्ट हुआ था। 18th सेंचुरी के पहले आमेर फोर्ट ही था एंड देन जयपुर था। ये आप देख सकते हो कि नाइट व्यू है आमेर फोर्ट का, काफ़ी भव्य नज़ारा है। मैं बोलूँगा जब भी आप आएँ जयपुर तो एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, काफ़ी अच्छा लगेगा। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियोज़ देखते रहें, हमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियोज़ में।